राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा सीट से ओला परिवार की बहू राजबाला ने ताल ठोकते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ये सीट राजस्थान के कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। शायद यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जताई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीश राम ओला झुंझुनू सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनके निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी पुत्र वधू राजबाला को टिकट दिया भी था, लेकिन वो चुनाव हार गई। अब एक बार फिर से राजबाला ने इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पार्टी आदेश देगी तो मैं आपके बीच में एक लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आना चाहूंगी और आपकी सेवा करना चाहूंगी। पाटिल जी के साथ मिलके अपन कदम से कदम मिलाएंगे। झुंझुनू लोकसभा सीट पर शीश राम ओला की पुत्र वधू राजबाला की दावेदारी का फतेहपुर विधायक ने भी समर्थन किया है। फतेहपुर विधायक हाकिम अली ने भी जनता से अपील की है कि अगर राजबाला इस सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो जनता उनका पूरा पूरा समर्थन करे। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, इसलिए सीटों पर दावेदारी कोई खास मायने नहीं रखती है, क्योंकि इसका फैसला चुनाव से महज कुछ वक्त पहले ही पार्टियों के बड़े नेता ही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।